प्रिय मित्रों नमस्कार, शुभ आशीर्वाद। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस आस्था प्यार के साथ आप लोग मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, आप लोग इसी तरीके से सहयोग देते रहिए। मेरा प्रयास है कि आपको खुद कुंडली देखने का ज्ञाता बना दें। आज आपके सामने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहा हूँ। सूर्य बुध गुरु ग्रह की युक्ति, कुंडली के किन किन भावों में रंग से राजा बना देता है, भाग्यशाली बनाता है, भाग को उदय करता है, जीरो से हीरो बनाता है। जिसकी कुंडली में लग्न में सूर्य बुध गुरु की युक्ति हो, ये राजा के समान भाग्यवान होते हैं। इनके बचपन से ही भाग्य का उदय हो जाता है, जीवन में कभी गरीबी नहीं देखते। जिसकी कुंडली में लग्न से चौथे भाव में सूर्य बुध गुरु की युक्ति हो, दोस्तों ऐसे लोग महान भाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोग प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, राजनीतिक बनते हैं, उद्योगपति बनते हैं और अपनी पहचान स्वयं बनाते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से पांचवें भाव में सूर्य बुध गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग पूर्ण विद्वान होते हैं। ऐसे लोग सीए बनते हैं, न्यायाधीश बनते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं। जिनके कुंडली में लग्न शुक्र नौवें भाव सूर्य बुध गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग बहुत कम उम्र से अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। ऐसे लोग संगीतकार भी होते हैं, कलाकार भी होते हैं। ऐसे लोग सामाजिक सेवा भी करते हैं और रंग से राजा बनते हैं, जीरो से हीरो बनते हैं। इनके पास जो कुछ भी धन दौलत रहता है स्वयं का बनाया हुआ। जिसके कुंडली में ग्रहमय भाव में सूर्य बुध गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग समाज में अच्छी पैठ बनाते हैं, अच्छी पहचान बनाते हैं। एक गरीब घर में पैदा होकर राजा के समान जीवन जीते हैं। ऐसे लोग कभी कर्जदार नहीं होते हैं, कभी भीख नहीं मांगते हैं, न इनकी सामाजिक इज्जत प्रतिष्ठा बर्बाद होती है। जो कुछ भी ये होते हैं अपने स्वयं मेहनत के बदौलत होते हैं। कभी भी इनको कष्ट नहीं आता है। ये गरीबों की सहायता करने वाले होते हैं, गरीबों के सेवक। ये बहुत छोटा सा वीडियो आपके सामने मैंने रखा, इसको सुनिए। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मेरे प्रत्येक वीडियो में मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, फिर भी मैं बोल देता हूँ। मेरा फ़ोन नंबर 9425308111। अगर कोई व्यक्ति, कोई मित्रगण की इच्छा हो मेरे द्वारा अपनी कुंडली का विशेष विश्लेषण कराने का, तो मैं फ़ोन पर संपर्क करी, उसके लिए थोड़ा सा आपको आर्थिक सहयोग देना होगा। देंगे तो मैं विवेचन कर दूँगा। इतना करते हुए आपसे विदा ले रहा हूँ। नमस्कार।